हैं अगली खबर की ओर। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया पंचकुला शाखा द्वारा संस्था के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आज एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसका थीम सर्विकल कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इस कार्यक्रम में युवाओं, पंचकुला ब्रांच के स्टाफ और इनर व्हील क्लब पंचकुला के सदस्यों ने भाग लिया और सर्विकल कैंसर के प्रति जानकारी और सतर्कता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती अनुपम जैन, प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब पंचकुला के द्वारा किया गया। उन्होंने फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन संस्था के 75 साल पूरे होने पर अपनी ओर पूरे व्हील क्लब पंचकुला की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो वहीं पंचकुला शाखा के जनरल मैनेजर मनोज गर्ग ने फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उद्देश्यों और पिछले 75 साल में किए गए कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। इसके बाद डॉक्टर अंजलि अग्रवाल ने सर्विकल कैंसर की पहचान, रोकथाम और उपचार के बारे में विस्तृत से जानकारी प्रदान की। ये फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपनी संस्था के 75 साल पूरे होने के अवसर पर सर्वाइकल कैंसर की थीम को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमने सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की है अपने फैमिली प्लानिंग सेक्टर 4 हरिपुर के ऑफिस में। इसके अलावा आज हम रन फॉर हर वाकाथन के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सर्वाइकल कैंसर HPV वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने डायमंड जुबली के सेलिब्रेशन के अवसर पर 1,00,000 महिलाओं तक पहुँचे और उनका सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करें और HPV वैक्सीनेशन के बारे में बताएं। जो आपकी संस्था है, ऐसे प्रोग्राम करती रहती है? जी हाँ, हमारी संस्था 1949 से काम कर रही है। शुरू के दशक में हमने फैमिली प्लानिंग के काम को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया। उसके बाद के वर्षों में हमने HIV एड्स और STI RTI और इसके अलावा भी हम वोमेन सेंट्रिक प्रोग्राम चला रहे हैं और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जो भी जागरूकता करने का कार्यक्रम है, स्क्रीनिंग करने का कार्यक्रम है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा संस्था का मोटो है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ फॉर एंड राइट्स पे हम काम करते हैं बेसिकली। तो देखने से कि संस्था महिलाओं के लिए क्या काम करती है? संस्था महिलाओं के लिए ही मुख्य रूप से जो महिलाओं का स्वास्थ्य है उसके प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। उसको प्रिवेंटिव मेजर्स जो भी लिए जा सकते हैं, संस्था के जो क्लिनिक्स हैं, संस्था 45 ब्रांचेस के माध्यम से 18 राज्यों में काम कर रही है।